हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएएस। और आज की क्लास का हमारा टॉपिक है ईएसजी एंड इंडिया। ईएसजी एंड इंडिया, नाउ व्हाट इज ईएसजी? ईएसजी का मतलब क्या है भाई? ईएसजी का मतलब है एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस, ठीक है, ईएसजी। और यहाँ पर इंडिया की बात करी जा रही है। देखिए, अब ये न्यूज़ में क्यों रहा है ये मैं आपको बता दूँ। देखिए, पीपल अक्रॉस द वर्ल्ड ये एम्ब्रेस कर रहे हैं अपने आइडिया को दैट बिजनेस शुड बी मेजर्ड ऑन दी टर्म्स ऑफ एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस मेट्रिक। हाउएवर, ईएसजी लॉज जो हैं, जो रेगुलेशंस हैं, वो अगर हम देखा जाए हमारे हिंदुस्तान में, इंडिया के अंदर, एट अ वेरी दे आर ऑन अ वेरी, अगर देखा जाए, कॉम्प्लिकेटेड स्टेज पे है एंड मच फर्दर टू गो इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन। अगर देखा जाए तो हमें बहुत वर्क करना है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। अब देखिए, ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है आपकी जीएस पेपर नंबर 2 गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड इंटरवेंशन, जीएस पेपर नंबर 3 ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कंजर्वेशन, एनवायरमेंट पोल्यूशन एंड डिग्रेडेशन, इन सारी चीज़ों पर वर्क करता है। ओके, इन सारी चीज़ों के लिए इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, तो यहाँ पर आप लोग इस चीज़ को समझ गए होंगे कि ईएसजी क्या है, ठीक है, और इंडिया में इसकी क्या एट पर्टिकुलर अभी देखा जाए तो क्या स्टेज है और अभी कितना वर्क करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले यहाँ पर अनअकैडमी के बारे में बात करते हैं। देखिए, अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है एक नया अनलॉक 20% ऑफर, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ले रहे हो तो अब आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। लिमिटेड पीरियड ऑफर है तो जल्दी से अवेल कर लीजिए इसको। जब भी आप लोग सब्सक्रिप्शन लेंगे, कोड का इस्तेमाल करना नहीं भूलना जो कि है AMS लाइव। इसको यूज करते ही आपको कितना 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जल्द से जल्द यहाँ पर आप लोग सब्सक्रिप्शन लीजिए क्योंकि ये ऑफर आपका जल्दी खत्म हो जाएगा। अब देखिए, अनअकैडमी आप लोगों के लिए लेकर आया है आरंभ बैच जो कि यहाँ पर 16th of March से स्टार्ट होगा। प्राइजेस यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, ठीक है, एक साल का कितना प्राइस है और अगर आप यहाँ पे ऑप्शनल लेते हो तो उसके साथ भी आपका कितना प्राइस पड़ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। एक्सपीडिशन बैच यहाँ पर आप लोगों के लिए अनअकैडमी लेकर आया है जो कि आपका 16th of March से ही यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है, तो आप लोग इसमें भी एनरोल कर सकते हो। इट्स अ कम्प्लीट इंग्लिश बैच। ओके, चलिए, तो यहाँ पर आप लोगों को ESG, अब ESG क्या है ये चीज़ हम लोग यहाँ पर जान लेते हैं। देखिए, ESG के जो गोल्स हैं, ठीक है, एनवायरमेंट, सोशल एंड गवर्नेंस गोल्स जो हैं, दे आर सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स फॉर कंपनीज ऑपरेशन जो कि फोर्स करते हैं कंपनीज को कि वो फॉलो करें बेटर गवर्नेंस, एथिकल प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, एनवायरमेंट फ्रेंडली मेजर्स होने चाहिए और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होनी ही चाहिए। अब एनवायरमेंटल क्राइटेरिया क्या है, इसको कंसिडर किया जाता है कि किस प्रकार से जो कंपनी है वो परफॉर्म करती है एज अ स्टूअर्ड ऑफ नेचर। सोशल क्राइटेरिया क्या होते हैं, जो एग्जामिन करता है कि ये किस प्रकार से मैनेजेस करते हैं अपनी रिलेशनशिप विद एम्प्लॉयज, सप्लायर्स, कस्टमर्स हो गए, ठीक है, एंड द कम्युनिटीज जहां पर ये ऑपरेट किए जाते हैं। गवर्नेंस जो है वो डील करती है विद द कंपनीज लीडरशिप, क्या लीडरशिप क्वालिटी है कि नहीं है, एग्जीक्यूटिव पे ऑडिट्स हो गए, इंटरनल कंट्रोल्स हो गया, शेयर होल्डर राइट्स हो गए, इन सारी चीज़ों पर ये तीन चीज़ें वर्क करती हैं आपकी। सोशल आप लोग समझ गए, इन्वायरमेंट समझ गए कि किस प्रकार का इन्वायरमेंट होना चाहिए कंपनी के अंदर, सोशल क्राइटेरिया क्या होना चाहिए कि किस तरीके से आप लोग यहाँ पर मैनेज करते हो अपने रिलेशन विद एम्प्लॉयज, एम्प्लॉयज के साथ अगर आपका रिलेशन अच्छा है तो जाहिर सी बात है द वर्क विल गो ऑन अ वेरी गुड पेस, सप्लायर्स के साथ, ठीक है, कस्टमर्स के साथ, कस्टमर अगर आपके आप अच्छा बर्ताव उनके साथ रखते हो तो जाहिर सी बात है कि आपको एक के बाद 1000 कस्टमर्स आपके साथ जुड़ जाएंगे बिकॉज ऑफ द सोशल क्राइटेरिया। आप जो एक रिलेशनशिप उनके साथ मेंटेन करके रखते हो, बुरा व्यवहार करोगे तो उसी हिसाब से आप लोगों के साथ उनका एक टर्म रहेगा। ओके, गवर्नेंस यहाँ पर डील कर रही है कंपनी की लीडरशिप क्वालिटी कैसी है, एग्जीक्यूटिव पे कैसा है, ऑडिट्स हैं, इंटरनल कंट्रोल हैं, शेयर होल्डर राइट्स हैं, तो ये फोकस करते हैं ऑन नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स एज अ मेट्रिक गाइडिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजंस वेर इन इंक्रीज करना फाइनेंशियल रिटर्न्स को इज नो लॉन्गर द सोल ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेस्टर्स। Now, ever since the introduction of United Nations Principle for Responsible Investing in 2006, जो ESG framework है, इसको recognize किया गया as an inextricable link of modern day business. मतलब जब यहाँ पर आपका introduction हुआ United Nations Principle for Responsible Investing 2006 में, तब यहाँ पर जो ESG framework है उसको यहाँ पर समझा गया, ठीक है, कि किस तरीके से ये हमारे लिए एक better link है for the modern day business, कि किस तरीके से हमें यहाँ पर बिजनेसेस को चलाना है, क्या क्या उसमें पॉइंट ऑफ चीज़ें होनी चाहिए यहाँ पे। ओके,
अब यहाँ पे देखिए कि इंडिया के अंदर आपकी ESG की नीड क्या है। देखिए इंडिया फेस करता है सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल चैलेंजेस, ठीक है, इंक्लूडिंग एयर वाटर डिफॉरेस्टेशन क्लाइमेट चेंज है एंड ऑल्सो देर आर सिग्निफिकेंट सोशल चेंजेस जो कि हैं आपके पॉवर्टी हो गई इनइक्वलिटी हो गई। अब जहाँ पर आप वर्क कर रहे हो वहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन हो गया, ह्यूमन राइट अब्यूज़ होता है हमेशा, है ना, बहुत सारी जगह आपको देखने को मिलेगा डिस्क्रिमिनेशन तो है ही है, इनइक्वलिटी भी है। सो यहाँ पर मेकिंग द इम्पॉर्टेंस ऑफ इन्वेस्टिंग इन कंपनीज दैट आर कमिटेड टू एड्रेसिंग दीज इशूज प्रमोटिंग सोशल जस्टिस। तो यहाँ पर लोग देखो अगर आपकी कंपनी में इन सारी चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है कि जो आपका जो एयर है, वाटर पोल्यूशन है, डिफॉरेस्टेशन है, क्लाइमेट चेंज है, ये सारी चीज़ें जो हैं वो अभी हमारा देश ऑलरेडी अभी सफ़र कर रहा है इन सारी चीज़ों से, ठीक है, और यहाँ पर अगर हम सिग्निफिकेंट सोशल चैलेंजेस देखें जैसे कि पॉवर्टी है, तो अगर हम इससे लड़ रहे हैं यहाँ पर इनइक्वलिटी है, अगर ये सारी चीज़ें डिस्क्रिमिनेशन हो गया, अगर आपकी पर्टिकुलर कंपनी में अगर इस तरीके की चीज़ें यहाँ पर नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो तो यहाँ पर लोग करेंगे भी, अदरवाइज दे वोंट रिकॉग्नाइज इट। ओके, तो यहाँ पर इंडिया हैज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स रेगुलेटरी एंड लीगल एनवायरनमेंट, काफ़ी कॉम्प्लेक्स है और काफ़ी मतलब अगर देखा जाए काफ़ी कॉम्प्लेक्स कॉम्प्लिकेटेड एनवायरनमेंट है एंड जो कंपनीज ऑपरेट कर रही हैं इंडिया के अंदर ये बहुत चैलेंजेस फेस करती हैं रिलेटेड टू करप्शन, रेगुलेटरी कंप्लायंस एंड कोऑपरेटिव गवर्नेंस। देयरफॉर यहाँ पर देयर इज एन इंक्रीजिंग नीड फॉर रिकॉग्नाइजिंग द कंपनीज विद स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस प्रैक्टिसेस जो कि मिटिगेट करें इन सारे रिस्क को, जो कि काफ़ी ज़रूरी भी है। तो हिंदुस्तान अभी काफ़ी सारे इश्यूज के साथ यहाँ पर मतलब एक तरीके से बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज के साथ यहाँ पर अभी लड़ रहा है, तो इन सारी चीज़ों को हमें मद्देनजर रखते ही बहुत सारी चीज़ों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। अगर इन सब चीज़ों से नहीं लड़ पाए तो आगे बढ़ने में काफ़ी हद तक प्रॉब्लम रहेगी। तो अभी भी इंडिया के लिए दीज थिंग्स आर चैलेंजेस, है ना, और टाइम टू टाइम ही जो हमारे जो मॉडर्न डे बिजनेस है इन सारी चीज़ों को हम धीरे धीरे ही समझ पाएंगे और जैसे जैसे ये चीज़ अभी देखिए बहुत चेंजेस हैं, बहुत चेंजेस आए हैं और समय के साथ ही किसी भी जगह में किसी भी देश में चेंजेस आते हैं बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेवलपिंग कंट्री, ठीक है, जहाँ पर बहुत सारे अगर देखा जाए बहुत सारी जाति, बहुत सारे धर्म, बहुत सारे मतलब बहुत डाइवर्स हैं, तो यहाँ पर हर किसी के अपने अपने अलग लाइक्स हैं, डिसलाइक्स हैं, डिसीजंस हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो एक कॉम्प्लिकेशन है अगर देखा जाए तो बहुत मेस्ड अप है, कॉम्प्लेक्स सिचुएशन है, उससे यहाँ पर चीज़ों को बाहर निकाल के चीज़ों को समझना इज़ अ वेरी डिफिकल्ट टास्क। ओके, सो धीरे धीरे यहाँ पर चीज़ें इंडिया के अंदर जो कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं वो धीरे धीरे यहाँ पर सेटल होती हुई नजर आएंगी। ओके, चलिए आई होप आप लोगों को ये जो पर्टिकुलर वीडियो है वो समझ में आ गई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो आपको इसे क्या करना होगा, इसे लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल डे अहेड, बाय ऑल ऑफ यू।